हिंद वॉइस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको सारी लेटेस्ट खबरें जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। साथ ही आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि वहाँ पर भी जो खबरें जल्दी आए आप लोगों तक पहुँच जाए। चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 5 ऐसी घटनाओं को लेकर जिसे देखकर सुनकर आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध अपनी किस चरम सीमा पर है। तो पहली घटना हमारे पास आ रही है हाथरस जिले से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस, जहां एक सरकारी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। एक बच्चे की रात में तबीयत खराब हो जाती है, उसे टीबी की बीमारी थी, तो अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचती है, जहाँ पर एक सफाई कर्मचारी और एक वार्ड बॉय जिसका नाम शिवानंद बताया जा रहा है वो मौजूद थे। जब उसने उसका चेकअप किया उसने कहा कि इसे इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वो दोनों इसे अपने साथ अंदर ले गए, उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। सफाई कर्मचारी बाहर पहरे पर खड़ा हो गया और उस शिवानंद जो वार्ड बॉय बताया जा रहा उसके साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बाद में जब लड़की को होश आया उसने अपनी आपबीती अपनी माँ को बताई और दोनों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई। तो लेकिन आप सोचिए कि अस्पताल जैसी जगह, सरकारी अस्पताल जैसी जगह ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो किसी चीज़ का किसी को कोई डर नहीं है, ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दूसरी खबर हमारे पास आ रही है ग्रेटर नोएडा की साइट 5 कोतवाली क्षेत्र से। यहाँ पर रिश्ते में लगने वाली साली, 11 वर्षीय साली के साथ एक जीजा ने दुष्कर्म किया है। उसे वो बहला फुसला कर खेतों में ले गया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दे गया। बाद में उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। और उसका हौसला तो देखिए, उसी बच्चे की FIR और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने भी पहुंच गया। बाद में जब ये बच्ची किसी को खेत में पड़ी हुई मिली तो उसे अस्पताल ले जाया गया और उसने इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है जाँच में जुट गई है और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। तीसरी खबर हमारे सामने आ रही है बस्ती जिले के हरैया क्षेत्र से। यहाँ पर एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोस में रहने वाला एक शख्स उसे अपने साथ खेलने के बहाने उसे छत पर ले गया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दे गया। बाद में बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने ये आपबीती घर वालों को बताई। पुलिस ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बताया, बुलाया और इस घटना की जानकारी दी। आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और मामले की जाँच कर रही है। लेकिन अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, वो अपना अपराध किए जा रहे हैं। चौथी खबर की तरफ चलते हैं। आगरा जिले के अवागढ़ क्षेत्र से। यहाँ पर एक 9 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ बाहर सो रही थी। माँ की तबीयत खराब थी तो अंदर चली गई, बाहर पिताजी भी सो रहे थे, तभी 2 बदमाश वहाँ आए और बच्ची को उठाकर एक ट्यूबवेल पर ले गए, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में उन्हीं बदमाशों ने पास में एक मंदिर में लूटपाट की और कुछ दुकानों के शटर भी तोड़े। बच्ची किसी तरह रोते हुए रात को 2-3 बजे अपने घर पहुंची और इस मामले की जानकारी दी। सुबह होने पर लोग थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी और पता यह भी चला कि आसपास के क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे गया। तो बदमाशों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, वो लूट भी कर रहे हैं, वो अब रेप भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का डर कहीं से कहीं उनमें दिखता नहीं है। अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, यानी 5वीं खबर की तरफ। तो 5वीं घटना हमारे सामने रही लखनऊ के माला थाना क्षेत्र से, जहां पे एक चचेरे भाई ने अपनी 6 वर्षीय चचेरी बहन के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके पिता जब गांव में भजन कर रहे थे, जन्माष्टमी का दिन था, तो उसे 10 रुपये का नोट का लालच देकर अपने साथ ले गया और एक बाग में ले जाकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी का नाम बसंत रे दास है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और रेप की धाराएँ लगाकर इसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन आरोपियों में अपराध करने को लेकर किसी तरह का कोई खौफ नहीं, वो अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वहां पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो इन घटनाओं पर आपका क्या कहना है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। साथ ही खबर को शेयर कीजिएगा।